नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज यादव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रेल सुविधाओं के मामले में कोरबा के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, उसे लेकर कोरबा सांसद के साथ ही प्रदेश के अन्य सांसदों ने भी असंतोष का माहौल देखा जा रहा है। बिलासपुर में आयोजित बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर जिस तरह से रेलवे ने भ्रामक जानकारियां दी, उससे तो स्पष्ट है कि रेलवे को यात्रियों की सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है। कोरबा सांसद ने कहा है कि आम जनता के हित में रेलवे ने एक माह के भीतर कोई ठोस विचार नहीं किया तो मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आम जनता के हित में रेलवे अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो आने वाले समय में रेलवे के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो सकता है। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने खुद यह बात कही। यात्री गाड़ियों को बंद कर रेलवे जिस तरह से केवल और केवल माल ढुलाई को तवज्जो दे रहा है, उससे कोरबा सांसद के साथ साथ प्रदेश के दूसरे सांसद भी काफी नाराज हैं, जो पिछले दिनों बिलासपुर में आयोजित बैठक के दौरान साफ साफ नजर आया, जहां रेल अधिकारियों ने सांसदों के सुझाव को न केवल ठुकराया बल्कि भ्रामक जानकारियां भी दी। कोरबा सांसद ने कहा कि कोरबा के साथ ही दूसरे जिले की रेल सुविधाओं को लेकर उन्होंने संसद के सत्र में आवाज उठाई, रेल मंत्री से मिलकर मांग पत्र सौंपा, लेकिन मांगों को दरकिनार कर दिया गया। संतुष्ट मैं बहुत कम हूँ, क्योंकि विगत 5 सालों से लगातार मेरा प्रयास रहा है कोरबा को लेके, कि यहाँ पर हमारे देश के सभी राज्यों के लोग रहते हैं और उनको रेल का आवागमन एक ऐसा एकमात्र मध्यम वर्गीय परिवार के लिए होता है, तो वो साधन क्यों नहीं दिया जा रहा, इससे मैं बहुत ज़्यादा नाखुश थी। और कई बार मैंने इसको संसद में उठाया भी, 0 आवर में भी उठाया, मंत्री से भी मिली, कई लेटर लिखे, और उसके बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जल्दी से काम होगा। अभी भी मैं पिछले महीने रेल मंत्री जी से मिली थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहन जी, ये मैं बहुत जल्दी इस काम को करूंगा। अब जब काम हो जाए तभी आप कह सकते हैं कि हमको संतोषप्रद जवाब मिला है। कोरबा सांसद ने बताया कि कोरबा सहित सक्ती और चांपा के रेल यात्रियों को लेकर उन्होंने 23 सुझाव प्रबंधन को दिए थे। सभी सुझावों पर प्रबंधन ने विचार नहीं किया बल्कि बैठक में भ्रामक जानकारियां प्रदान की। प्रबंधन यात्री गाड़ियों को रद्द कर मालगाड़ियों का परिचालन तो कर रहा है, लेकिन रद्द गाड़ियों का विकल्प नहीं दे रहा है। कोरबा के पिटलाइन के संबंध में भी अधिकारियों का जवाब संतोषप्रद नहीं था, जिसे लेकर जनप्रतिनिधि काफी आक्रोशित नजर आए। जो मैंने उनको सुझाव दिए हैं, लगभग 23 सुझाव दिए हैं, और इस बार चूंकि मैंने एक पत्रकार और एक यादव जी को भेजा था, इसलिए कि सभी मीडिया वाले मुझे पूछते रहते हैं कि रेल का क्या हो रहा है, ताकि हमारे मीडिया वाले खुद इस चीज़ को जानें कि हमने कितना प्रयास किया है और वो जनता के सामने इस बात को लाएं कि ये प्रयास कहाँ तक हमारा हो रहा है और कितना होगा और कितने समय लगेगा, क्योंकि 5 साल तो हो चुके, अभी ट्रेन बंद है, बल्कि लदान गाड़ियां जा रही हैं, पैसेंजर गाड़ियों को रोका जा रहा है 9-9 घंटे। और विगत जब मैं मंत्री से मिली थी, रेल मंत्री से, तो मैंने कहा भी था कि अनावश्यक रूप से गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं और अचानक ये बात होती है, तो उन्होंने मुझे ये भी आश्वासन दिया था कि लगभग 5-6 दिन पहले रद्द हुई गाड़ियों के नाम पेपर में आ जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि जो यात्री टिकट लगा खरीद चुके हैं गाड़ियों के, तो उनको जाने की व्यवस्था किसी दूसरी गाड़ी से भी की जाए, ये मेरा उनको सुझाव था। अब देखते हैं कि ये कितना कारगर होता है या पेपर में ही रहता है। जो सुझाव या मांग आपने रखी थी, उसमें जो जानकारी उन्होंने दी, हम लोगों ने भी पढ़ा है जी, पिट लाइन का हो यहाँ या वहाँ जन सुविधाओं की बात हो, सब में उन्होंने भ्रामक जानकारी आपको दी है। जी हाँ, वो हकीकत में वो है नहीं वहाँ पे। बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी घूमती हूँ और कई बार देखा जाए तो सक्ती स्टेशन, चांपा स्टेशन, कोरबा स्टेशन तो ये पड़ता ही है, देखा है मैंने। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई भी रद्द बदल हुआ है, और अब देख रहे हैं कि ये कब तक होगा। गौरतलब है कि रेलवे ने हाल ही में छत्तीसगढ़ से चलने वाली 72 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जिससे यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा सांसद ने कहा है कि एक माह के भीतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में अगर भाजपा सांसद भी उनके साथ होंगे तो उन्हें काफी खुशी होगी। नहीं होगा तो हमारे ये सोच है कि 1 महीने के अंदर कड़ी कार्रवाई, आंदोलन किया जाएगा। 6 सांसद उस बैठक में थे जी, और सब के सब भारतीय जनता पार्टी के थे,
उन्होंने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया कि आप लोग हमारी कोई मांग स्वीकार नहीं करते हो, जो काम हमारे क्षेत्र में कराते हो उसकी जानकारी हमें नहीं होती। सब ने उनको घेरा। आपको कभी जानकारी देते थे लोग? नहीं। उनको नहीं देते थे, आपको देते रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को भी जानकारी मिलती थी और मैं कई बार सांसदों से मैंने कहा भी है, पुराने भी सांसदों से और नए सांसद से भी कहा था, आपकी जो जांजगीर की है जांगड़े जी, उनसे भी मैंने कहा था कि क्या आप मेरे साथ चलेंगी, आपकी सरकार है और अब तक डबल इंजन की सरकार हो गई साहब, इधर भी उनकी सरकार उधर भी डबल इंजन ही नहीं खींच रहा है। पहले तो सिंगल था, कांग्रेस थे हमारी, तो हो सकता है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा हो, लेकिन अब तो डबल इंजन है। और ये 8 मेयरों में यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ के मंत्रियों ने इस बात को अपने संज्ञान में क्यों नहीं लिया कि यहाँ की ट्रेन 72 ट्रेन यहाँ से कैंसिल हो जाती है और छत्तीसगढ़ को ही ऐसा क्यों अनदेखापन किया जा रहा है? ना कोई सांसद बोलता है, ना कोई मंत्री बोलता है। उस बैठक में महसूस हुआ था कि वो सांसद सारे के सारे रेलवे प्रबंधन से नाराज थे, तो एक माहौल बना था कि हम लोग जरूरत पड़ेगी तो भाजपा और कांग्रेस के सांसद मिल करके संघर्ष करेंगे, तो ऐसा कोई प्रयास आपकी तरफ से होगा कि सब लोगों को इकट्ठा करके? यदि वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हैं तो 10 वो हैं, 1 अकेली मैं हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ उनके साथ लड़ने के लिए। हम जनप्रतिनिधियों को अपनी पार्टी से ऊपर आ करके अपने जनता के लिए लड़ने में मुझे बुराई नहीं लगती, चाहे वो किसी पार्टी के हों। हम सब पार्टी मिल करके यदि विकास की बात हो, चाहे हमारी जनता के हित की बात हो, हम सब करने को तैयार हैं। एक बात तो साफ है कि रेलवे रेल सुविधाओं को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है, वो सिर्फ मालगाड़ियों का परिचालन कर अपना टारगेट पूरा कर आम जनता को परेशान कर रहा है। जनप्रतिनिधियों की मांगों को भी प्रबंधन नजरअंदाज कर रहा है, जिससे उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सुविधाओं को लेकर जल्द ही गंभीरता नहीं दिखाई गई तो आने वाले समय में रेलवे को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए रामेश्वर के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।